हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कोहिनूर बिरयानी। किट करके कुछ आता है इसे हम बनाने ट्राई करेंगे। निशांत की बहुत ज्यादा फेवरेट है बिरयानी, तो मतलब चाहे गर्मी हो, सुबह हो, शाम हो, रात के 8 बज रहे हैं और निशांत को बिरयानी खानी है। गर्मी को हम ये बहुत पहले ले आए थे इसको, मतलब कितना टाइम हो गया, 3-4 शादी से पहले लाए थे। हाँ हाँ, मतलब दीदी की शादी से, हमारी शादी से पहले। हाँ, तो ये किसको बनाते हैं? आज मेरी नजर पड़ गई, आज दिखाते हैं इसके अंदर आता क्या क्या। ये है हैदराबादी बिरयानी और ये लखनऊ। ये हम खोल चुके हैं, वो हम दिखाते हैं आपको निकलता क्या क्या है। हाँ, इसमें बस आपको दिखाने के लिए, यार ये तो बड़े अच्छे से पेस्टिंग हो रही है। यूज नाइफ, हमने थोड़ी प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड अपनी अनियंस काट के रख ली है, थोड़ी सी कैप्सिकम, अनियंस का हमें बरिस्ता बनाना है। मैं वो आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनता है। यार मेरे से तो ये खुली नहीं रहा। तो इसमें क्या क्या निकलता है? तो भाई खूब जोर लगा लिए, एंड में काटना ही पड़ा। हाँ दिखाओ आगे। हाँ, तो इसमें निकलता क्या, देखिए ये हो गया आपके बासमती राइस चावल, ये आपकी एक ग्रेवी बनी आती है प्योरी टाइप, पहले की बनी हुई होती है, इसमें भी एक्सपायरी डेट है पर हाँ 1 साल तक की होती है। और ये कुछ रायता मसाला। हाँ हम इसे रायता ऐड कर सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, ये इसमें रेसिपी है आपके मसाले वगैरह जो हमें यूज करने हैं, जो भी, और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे बनेगी। हाँ, तो मतलब सब चीज प्रोवाइडेड है वैसे तो। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप तक चावल को अच्छे से धो के भिगोना, तो हमने आधे घंटे तक भिगा के छोड़ के रख दिए। सबसे पहले हम अपने यहाँ से हमारे श्रुति ने चार्ज ले लिया है। हाँ, यार डीप फ्राई करना है, बरिस्ता बनाना है। बरिस्ता क्या होता है कि मतलब आप लो मीडियम फ्लेम पे ऐसे लंबे लंबे काटे हुए प्याज को थोड़ा भून के ठंडा करके क्रिस्पी से हो जाते हैं, तो फिर आप उनको ऐसे हाथ से क्रश करके, मतलब जैसे आपने बिरयानी खाई होगी तो ऊपर आपने क्रंची कैरमलाइज ओनियन का जो फ्लेवर आता है, तो यहाँ पे हमने अपने वो बनने रख दिए। ठीक है, और ये हमने अलग से लिया है, इसमें सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन भी ऐड कर दो, लाइक हम और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, पनीर निशांत को पसंद नहीं है तो वेजीज में हमने बस कैप्सिकम, अनियन, नॉट फॉर इसलिए सोयाबीन। और वो पानी गर्म हो रहा है, यहाँ अपने चावल हो रहे हैं। श्रुति जो लखनऊ बिरयानी थी वो पैक करके वापस रखे है वीडियो के बाद। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी। मुझे हैदराबादी ही पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो वो सिंपल। हाँ, जो सिंपल होती है ना वो बिरयानी, स्पाइसी दोनों की ये जो है क्या बोलते हैं, बहुत डिफरेंस है उसमें, साफ पता पड़ रहा है कि वो सिंपल सा है। हाँ, और ये बहुत ज्यादा मिर्ची वाला। हाँ, तो अब हम एक तरफ अपने चावल, ये आधे घंटे तक हमने अच्छे से वॉश करके धो के रख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मसाले जो आए हैं इन्हें ऐड कर देंगे। भाई गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, है ना, इतनी गर्म हो रहा है। हाँ, इतना मैं सोच रही हूँ चावल का, मैंने वो पानी निकाल दिया, 1 लीटर बॉइल कर रही हूँ। इसमें अपने हम सारे मसाले डाल देते हैं। ये ऐसे डालने थे, ये पहले वो करना था, उबालना था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा था ना, लाइक हर स्टेप के लिए इज वेरी कॉशियस। ठीक है, तो हम इसमें 1 लीटर बॉइलिंग वाटर ऐड कर देंगे। हमें इन्हें 70% इतने कुको इतने बॉईल करने हैं। इधर हमारा बरिस्ता हो रहा है। यार ये इतनी रेडी टू मेड टाइप है, फिर भी इतना टाइम लगेगा इसमें तो। हाँ, है ना, मतलब देखो सब चीज बनी बनाई आई है फिर भी इतना टाइम लग रहा है। भाई ऐसा होना चाहिए ना कि यार उबालो चावल और उसमें मिलाओ और खा जाओ गरम करके। इसमें तो प्याज उबालो, दम दिया जाएगा। हाँ, दम लगा जाएगा, मतलब जो दम लगता है। कोहिनूर हैदराबादी बिरयानी किट, ये अपने यहाँ चावल होने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये भी ऑलमोस्ट डन, हाफ डन हो चुका है। हाफ डन हुआ है अभी, यार वो तो गए ब्राउन ब्राउन, टाइम लगेगा। और इसमें ऐड क्या क्या किया है हमने? इसमें मैंने सॉल्ट और डाला जो मैं ऐड करना भूल गई थी, salt. तो मैं अब मतलब जो ये मसाला ग्रेवी के साथ वेजीज डालेगी, तो इसमें मैं एक अनियन और ले रही हूँ। रेडी हो चुके हैं, तो हमने एक प्लेट में टिश्यू पेपर को स्प्रेड कर लिया है जिससे इसका एक्सेस ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले, और चावल भी उबल रहे हैं, बस 70% ही करना है हमें, तो वो भी अभी हो जाएंगे। सी कैसे खिले खिले, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रूम में रख देंगे। तो हमारे ये राइस 70%
बॉयल हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें स्टेन कर देते हैं एक्सेस वाटर रिमूव करके, इन्हें ठंडा होने के रख देंगे क्योंकि खिले खिले और बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। तो हमने एक नई कढ़ाई चढ़ा दी है, वैसे हम ये रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, बट निशांत को तो घी इतना पसंद है कि हर चीज़ में घी डाल दो भाई, देसी घी है तो हम तो खाए ना, घी में बना रहे हैं, बॉडी तभी तो बनेगी। और कितनी बॉडी बनाओगे, गर्मी हो रही है, जल्दी तो करो। ऑलमोस्ट दो बड़े चम्मच, और मैं भी हेल्प कराता हूँ, ऐसा नहीं है मैं इनसे ही काम करवा रहा हूँ, आधे से ज़्यादा मैं हेल्प कराता हूँ, वो इन्हें कराता नहीं, बताओ हर चीज में कराते हैं। और अब नहीं नहीं नहीं, ये इसमें क्यों गिरेंगी? हाँ। गिरती हैं हाँ। चलो गिर दो फिर, ये तो ऊपर से डलती हैं प्याजे, चलो ये ऐसे परेशान करते हैं बीच बीच, चलो डालो डालो देखते हैं। ये कहीं अपनी वेजिटेबल्स, इन्हें हम दो मिनट के लिए सॉटे कर देंगे। हमारी ये वेजिटेबल्स छोटे हो चुकी हैं, तो मैंने हल्की सी करी है, हमने ज़्यादा नहीं करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सबसे पहले अपनी सोयाबीन्स, इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे हल्का सा मिला देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें जाएगा ये मसाला, हैदराबादी बिरयानी पेस्ट। तो अब हम इस पूरे पैकेट को कढ़ाई में एम्प्टी कर देंगे। अरे वाओ, लुक्स लाइक वेरी स्पाइसी, मजा आने वाले हैं किसी के। अब हम इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। अब हमारी ये ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है, तो अब हमें इसमें दम लगाने के लिए रेडी करना है। तो पहले एक लीटर हमें इस सब्जियों की, और फिर एक चावल की, फिर एक ये फ्राइड अनियंस की जिसे हम बरिस्ता बोलते हैं, ऐसा रखनी है। तो अभी हमने इसमें नीचे थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ दी, हम सेम कढ़ाई में ही दम लगाएंगे। तो एक लेयर ग्रेवी अब इस पर हम ऐड कर देंगे, ऊपर से थोड़े से चावल। आई थिंक इनफ, इतना इनफ रहेगा। अब हम इसमें अपना थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथ से क्रश करके ये अपनी फ्राइड अनियंस, और हम यहाँ पे धनिया पुदीना, अगर आप खाना प्रिफर करते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। निशांत को नहीं पसंद इस वजह से वो मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। और हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा घी, सेकेंड लेयर वेजीज, एंड फाइनली हमारे सारे लेफ्ट ओवर राइस, जितने भी राइस बचे हैं अब हम फैला के सारी वेजीज को कवर कर देंगे। तो ये हम लेयर देने के बाद फाइनल लेयर ऐड कर रहे हैं अपने बचे हुए सारे बरिस्ता के, और फाइनल हमारा घी। इसमें निशांत पता नहीं कितना ही घी पीने वाला है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए पकोने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम बना रहे हैं साथ में रायता, जिसमें हमें चाहिए 300 से 500 ml तक दही, और ये दही हमारी घर की जमी हुई है, बाहर वाली में इतना टेस्ट नहीं आता यार, हो गई होगी क्या ये, शायद 10 मिनट हो गए यार, मुझे तो भूख भी लग रही है। बस चटोरे लोग
और बहुत रहेगा वैसे, कितनी होगी यार, 300 ग्राम तो दही होगी। यस सर, यू आर राइट। जैसे ना हल्का सा विस्क करके ना प्लेन बना लेंगे। ये रायता मसाला भी हमारे पैकेट में ही आया था, तो इससे हम ठंडी ठंडी दही में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, मैगी मसाले जैसा लग रहा है देखने में तो बिल्कुल। अभी ज़रा हमारी बिरयानी में दम भी लग चुका है, हमने इसकी भी फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम 5 मिनट तक बंद रहने देते हैं, इतने फ्रीजर में अपने रायते को रखते हैं जो बिल्कुल चिल्ड चिल्ड रायता और बिल्कुल गरम गरम बिरयानी। तो ये हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी। ओहो, धुआं निकलता हुआ, अरे वाह। तो हम इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स। क्या कलर आया यार, हम इसमें केसर भी डाल सकते थे बट निशांत ने केसर भी मना कर दिया। मैंने कहा रेड कलर आ जाएगा, अच्छा लगेगा। मसाला थोड़ा कम नहीं है? ठीक है, अभी मिक्स होएंगे ना मसाला। अच्छा, देखो क्या खुशबू आ रही है। लाइक सीरियसली मुझे बिरयानी पसंद नहीं है पर इसकी खुशबू यम्मी। तो इसे हम मिक्स कर चुके हैं, अभी से हम प्लेट में सर्व कर दें आपके लिए। कर दो, रंगत देखो बिल्कुल बाहर जैसी बिरयानी होती है ना वैसी ही है, सेम टू सेम। चलिए अब टेस्ट करते हैं फिर बताएंगे। हाँ। तो ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है और ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व करी जा रही है। हम टेस्ट करेंगे मेहनत सफल हुई या नहीं। पहला बाइट और ये हमने किया अच्छे से मिक्स, इसमें रखी एक सोयाबीन, अरे वाह, और इतनी सारी प्याज। ये टफी भी रेस्टलेस हो रहा है। सच में बढ़िया, मतलब अच्छा, मेहनत बहुत है। बट क्वांटिटी वर्थ है, लाइक इसकी डबल होगी। हाँ, 100 रुपीस का था। हाँ, थोड़ा सबने, हमें तो बाय वन गेट वन फ्री मिला था ऑफर में। ऑफर ऐसी होते हैं वो 50 का ही था, पर 50 में MRP 100 है। MRP 100 थी। हाँ जी, चलो 100। ऑफर क्वांटिटी बहुत है और लेना बढ़ती है, मतलब बहुत सही है, अच्छा लगा काफी खा के, देखने में भी अच्छी लग रही है। चलो एक और टेस्ट करता हूँ बिना रायते के। मसालों को बहुत स्वीट सा, मतलब बोलते हैं ना स्पाइसी इतना लग नहीं रहा, पर टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब स्वीट सा मुँह में मजा आ रहा है। चलो तो 10 में से मैं यार दूंगा 7। 3 में काट रहा हूँ, बहुत मेहनत है। गर्मी में मत बनाओ, ठंड में बनाओ। मैं लाऊंगा घर ऐसी, अब मेरे पास लखनऊ रखे वो भी ट्राई करूंगा। बट मैं भी अपना खाना दिखाती हूँ तुम्हारा। देखो देसी सिंपल खाना, दाल चावल, आम की चटनी और इधर देखो बिरयानी और रायता। तो कितना फर्क है हमारे खाने में। बस इस वीडियो में हमको ये दिखाना था, हम ये लाके काफी टाइम से रखा था तो हमने बना लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।